जी हाँ दोस्तों, बेटा होना पक्का है। छोटे सिद्धू मूसेवाला जी का आना पक्का है। सिद्धू की प्रेग्नेंट माता चरण कौर जी ने जो IVF करवाया है, डॉक्टर ने इस चीज की पोल पट्टी खोल कर रख डाली है। क्या कहना है सिद्धू मूसेवाला जी की 58 की उम्र में IVF के द्वारा प्रेग्नेंट होने को लेकर डॉक्टर साहिबा का, चलिए आपको डिटेल में बताते हैं डॉक्टर साहिबा की एक एक बात की। IVF से प्रेग्नेंट माता चरण कौर जी किस प्रकार से जो है डिलीवरी देने वाली हैं अपने छोटे सिद्धू को, एक एक डिटेल एक एक जानकारी साझा करने वाले हैं। दोस्तों, चैनल पर नए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है जिन लोगों ने, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑल पे भी जरूर प्रेस कीजिएगा। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला जी की माता चरण कौर जी के गर्भ धारण की खबरें इन दिनों काफी ज्यादा सुर्खियों में है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मार्च में वे अपने दूसरे बच्चे को, छोटे सिद्धू को जन्म देने वाली हैं। सिद्धू मूसेवाला की मई 2022 में जो है मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद माता पिता वंश को बढ़ाने के लिए एक और बच्चे की चाहत में है। वहीं आपको बता दे, रिपोर्ट्स के मुताबिक चरण कौर जी ने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि IVF के माध्यम से गर्भ धारण किया। अब जब ये खबर लीक हुई प्रेगनेंसी की, और वो भी IVF से, तो इस खबर के लीक होने के बाद लोगों के मन में तरह तरह के IVF और इसको लेकर कई तरह के सवाल उठने शुरू हुए कि क्या इस उम्र में IVF से अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, क्या अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, क्या आसानी से डिलीवरी हो सकती है, क्या 60 और इससे अधिक उम्र में भी मां बना जा सकता है, और मोनोपॉज की उम्र में गर्भ धारण से शरीर पर क्या असर होता है। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए डॉक्टर से संपर्क करने की कोशिश की गई और डॉक्टर ने इसके बारे में एक एक जानकारी जो है साझा की है कि आखिर 58 की उम्र में सिद्धू की माता चरण कौर जी किस प्रकार से जो है उन्होंने गर्भ धारण किया है, क्या कॉम्प्लिकेशन जो है हो रही हैं उन्हें, साथ ही आपको बता दे क्या बॉडी में चेंजेस होते हैं, डिलीवरी किस प्रकार से होगी, इन सारे सवालों के जवाब जो है डॉक्टर ने दे डाली है। क्या कहना है डॉक्टर का, चलिए आपको डिटेल में बता देते हैं जरा। डॉक्टर से जब साफ तौर पर यह पूछा गया कि क्या IVF जो है सेफ है, 50 साल की उम्र की महिला के लिए सेफ है, 58 की महिला के लिए सेफ है, तो डॉक्टर ने जो है चौंकाने वाला जो है खुलासा किया, जवाब दिया IVF को लेकर। साफ तौर पे डॉक्टर का कहना है कि इसके परिणाम कितने अच्छे होंगे ये महिलाओं की सेहत, उम्र जैसे कई कारकों पर निर्भर करती है। डॉक्टर ने साफ तौर पे कहा है कि सारी समस्याओं को, सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए 50 से अधिक उम्र की महिलाओं में IVF से पहले दवाइयों और हार्मोनल थेरेपी के माध्यम से गर्भाशय को तैयार किया जाता है। वहीं डॉक्टरों का ये भी कहना है IVF को लेकर, जिस प्रकार से सिद्धू की माता चरण कौर जी 58 की उम्र में प्रेग्नेंट है IVF से, तो उनका साफ तौर पे ये भी कहना है कि मोनोपोज की यानी कि 58 की उम्र में क्रोनिक बीमारियों जैसे हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज का जो है खतरा भी अधिक होता है, जिसके कारण भी जन्म से संबंधित, डिलीवरी से संबंधित दिक्कतें अधिक हो सकती है। साथ ही डॉक्टरों का तो यहाँ तक कहना है कि IVF से प्रेगनेंसी कराना हाई रिस्क वाला लेवल होता है, काफी खतरा होता है। जब से दोस्तों लोगों को सिद्धू की माता चरण कौर जी के बारे में ये पता चला, जैसे कि उनके चाचा जी ने खुद ये बात लीक करी कि वो IVF से प्रेग्नेंट हुई थी, साथ ही वो 8 महीने की प्रेग्नेंट है, 8 महीना तो उन्होंने अच्छे खासे निकाल लिए हैं, किसी तरह से दुख को झेल कर 8 महीना निकाल लिया है और अब लास्ट के महीने रह गए हैं। जैसे ही लोगों को ये बात पता चला कि वो IVF से प्रेग्नेंट है माता चरण कौर जी, वो भी 58 साल की उम्र में, तो लोगों को जो है चिंता होने लगी सिद्धू की माता चरण कौर जी को, और अपनी ब्लेसिंग्स, अपनी प्रार्थनाएं जो है उन तक भेजने की कोशिश कर रहे हैं। अभी सभी सोशल मीडिया पर एक ही चीज में लगे हुए हैं, सिद्धू की माता चरण कौर जी और आने वाले सिद्धू के सही सलामत आने की कामना कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं।